ये तो सबको बताना चाहिए, मनाली ट्रिप थी जो हमारी। गाइस मैं तो बोल रहा हूँ सिंगल लाइफ बेस्ट है। और इस कॉलेज में मतलब सबसे गंदा क्या लगता है आपको? लड़कियाँ। फ्रॉम एचपी 10 रोडू। अच्छा रोडू से हो तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सही बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज हम कॉलेज में हैं, मैं और आशीमा साथ हैं। और मतलब हमने आज सोचा कि सबसे क्वेश्चन पूछे और फिर उनके आंसर सुनते हैं। मतलब कुछ भी रैंडम क्वेश्चंस पूछेंगे हम सबसे, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, ये थोड़ा बोरिंग नहीं होगा, इंटरेस्टिंग होगा। एंड तक देखते हैं यहाँ पे किससे पूछे। यहाँ पे दो लड़के बैठे हैं, चलो इनसे पूछते हैं। हेलो, कौन सी ईयर में हो आप लोग? आप फर्स्ट में? तो आप लोगों ने कोई पार्टी ज्वाइन की है? मतलब क्यों नहीं किया आपने कोई पार्टी ज्वाइन? देखो पहली बात तो ये है कि हम दोनों हॉस्टल के हैं, तो क्या बोलते हैं, अब यहाँ जितने भी पार्टी के बंदे हैं, जितने भी ले लो चाहे आप, इनकी टोटल इतनी स्ट्रेंथ नहीं, जितने अकेले हॉस्टल की स्ट्रेंथ है, इसलिए हमें कोई पार्टी की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, शौक है पार्टी का। मतलब किसी भी हॉस्टल वाले ने नहीं की पार्टी ज्वाइन? मतलब पर्टिकुलर तो की है खास उन्होंने, बट ऐसे ओपनली नहीं है, इसलिए कोई जरूरत नहीं पड़ी किसी पार्टी को ज्वाइन करने की। गाइस अभी हम और क्वेश्चन पूछने वाले हैं कुछ लोगों से, वहाँ पर ही खड़े हैं। लोगों को पता नहीं है, अभी लोगों को पता नहीं, हम रैंडम जाएंगे इनके पास। चलो कौन सी है? मैं सेकंड ईयर से, मैं तो चंबा से। चंबा से? चंबा में। पांगी से। तो हम आपको, आप ये बताओ मतलब पांगी और शिमला में आपको क्या डिफरेंस लगा? पांगी और शिमला, पांगी तो पहले तो एक ट्राइबल एरिया है, शिमला तो नहीं है, देखा जाए तो यहाँ से काफ़ी दूर है शिमला से, देखा जाए 24 आवर लग जाते हैं पांगी तक। इतनी दूर से हाँ कॉलेज तो है, पर एजुकेशन हाफ है अलग, अब यहाँ पे एजुकेशन बढ़िया है तो हर को चाहिएगा कि अच्छी एजुकेशन मिले। नहीं जहाँ से हमें वो तो हर किसी को पसंद होता है, वो तो है, पर एजुकेशन में देखा जाए तो शिमला बेटर है। स्ट्रीम मेरी बी ए। थैंक यू। तो अभी हम और किसी को ढूंढ रहे हैं, तो अभी सामने से तो हम मतलब सिंगल लाइफ ज़्यादा बेस्ट है या कमिटेड लाइफ? जोर से बोलना आपको क्या बात है। डिपेंड करता हूँ आप किसके साथ रहते हैं। सिंगल में अगर आप, आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं आप सिंगल बेस्ट हो, अगर आपका पार्टनर बहुत अच्छी जगह तो मतलब आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है उसके साथ, तो वो बेस्ट है। आप सिंगल हो या कमिटेड हो? मैं तो सिंगल हूँ। चलो बढ़िया है, थैंक यू। हम सभी लोगों से रैंडम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो हमारा क्वेश्चन है सिंगल लाइफ ज़्यादा बेस्ट है या कमिटेड? गाइस मैं तो बोल रहा हूँ सिंगल लाइफ बेस्ट है। मतलब अच्छा क्यों है? क्योंकि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इसीलिए सिंगल लाइफ बेस्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है मतलब स्कूल लाइफ ज़्यादा बेस्ट है या फिर कॉलेज लाइफ? वैसे तो दोनों ही अच्छी होती है, बट ऐसा स्कूल लाइफ में होते हैं तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता। हाँ और कॉलेज लाइफ में आप रिस्पॉन्सिबल फील करते हो कि नहीं रिस्पॉन्सिबल, खुद को करना पड़ता है, कोई ऐसे फोर्स नहीं करना, आप क्लासेस लगाओ या फिर कुछ ऐसा करो तो रिस्पॉन्सिबल फील होता है कॉलेज लाइफ में। स्कूल लाइफ में ऐसे है कि टीचर्स वगैरह भी होते हैं बोलने को, पेरेंट्स की साइड से भी काफ़ी स्ट्रेस होता है। मतलब आपने इन्जॉय कहाँ किया ज़्यादा, स्कूल में या फिर यहाँ कॉलेज में? कॉलेज में ज़्यादा इन्जॉय किया है, स्कूल में थोड़ा रेस्ट्रिक्शन। इस कॉलेज से अगर आप पास आउट हो जाओगे तो आप क्या मिस करोगे सबसे ज़्यादा? फ्रेंड्स आज जो यहाँ पे फ्रेंड्स बने वैसे पहले नहीं बने, और इतना एंजॉय पहले हमने किया नहीं है। आप हो कहाँ से? मैं अनाड़ी लोकल, शिमला लोकल। ओके, और आप? रोडू से? अच्छा डोडरा कुमार, हम भी रोडू से ही है। चलो अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू गाइस, बाय। कौन से ईयर में हो आप? सेकंड ईयर में हूँ। कहाँ से हो? From HP 10 रोडू। अच्छा रोडू से हो तो बेस्ट प्लेस एवर। रोडू ज्यादा बेस्ट है या फिर शिमला?
obviously Rodu hai, Shimla kyun hoga? Rodu is a place, white place hai. Rodu mein padhne aaye hain. Rodu se fir aap Shimla kyun aaye? Rodu is a little country. Yeah, because Rodu is a little country for us. इस वजह से मुझे वो जगह अच्छी लगती है. यहाँ तो पढ़ने आप क्या करें? वहाँ पे कॉलेज है, इतना बड़ा कॉलेज है. वो ऐसा होता है छोटे से हम शिमला में पढ़े, ठीक है, तो घर वालों की होप होती है कि बेटा आगे जाएगा चंडीगढ़. अगर मैं रिवर्स गियर लगाता सीमा कॉलेज को तो अच्छा नहीं लगता. इस वजह से यही ठीक है. हाँ चलो ठीक है, थैंक यू. हमारा क्वेश्चन ये है कि आप इस कॉलेज में क्या मिस करोगे? ये सारे जो यहाँ पर हैं उन सब दोस्तों को मिस करूंगा. दोस्तों के अलावा इस कॉलेज की ठंड और इस कॉलेज की कैंटीन की गंदी सी चाय. और इस कॉलेज में मतलब सबसे गंदा क्या लगता है आपको? लड़कियाँ. चलो ठीक है, थैंक यू. नहीं और पूछो. और चीटिंग करता है तू. बातें तो बहुत सारी बोलना चाहता था पर कैमरे के सामने शर्म आती है यार. अच्छा तुम पूछना चाह रहे हो 2022 की कौन सी ऐसी मेमोरी मिस करोगे? हां भाई ये तो सबको बताना चाहिए, मनाली ट्रिप थी जो हमारी. यार क्या याद दिला दिया यार, मैं इमोशनल हो रहा हूं. याद आ रही है वो चीज तो. और गेट नहीं और उसके बारे में आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जानने के लिए है ना, उस ट्रिप के बारे में जानने के लिए. इनका पिछला व्लॉग देखे. इसमें क्यों नहीं आया बस? हमने ग्रुप में सुनो, हम ना वैसे व्लॉगिंग करे तो हम क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछ रहे ना, तो हम पूछे आपसे क्वेश्चन. हम जनरल नॉलेज की नहीं पूछ रहे, हम ऐसे पूछ. तो हमारा क्वेश्चन ये है कि मतलब अगर आप कॉलेज में कुछ मिस करोगे तो क्या मिस करोगे? अपनी फेयरवेल. तू अपनी फेयरवेल के लिए बहुत कुछ सोच रखा है. आप फाइनल ईयर हो? नहीं मैं सेकंड ईयर हूं. तो अभी तो आवर्स टाइम है. हां अभी टाइम है, तो अपनी फेयरवेल के लिए बहुत कुछ सोच रखा है फर्स्ट ईयर से. तो अभी तक मतलब क्या मिस करोगे जो अभी तक हुआ है कुछ? जो मतलब कुछ हो गया है. अभी तक मैं मिस करूंगा अपना यूथ फेस्टिवल. अच्छा, और अगर आप इस कॉलेज से पास आउट हो जाओगे तो आप सबसे ज्यादा किसको मिस करोगे? मैं सबसे ज्यादा मिस करूंगा हॉस्टल. आप हॉस्टलर हो? तो गाइस इसी के साथ आज का व्लॉग खत्म होता है. और मतलब अब जाके जो व्लॉग है वो रेगुलर आएंगे, क्योंकि बीच में थोड़ा मेरा फ़ोन ख़राब टाइप हो गया था. तो अब मैं ट्राई करूँगी कि व्लॉग डेली आए. और आज के व्लॉग में मतलब हमने काफ़ी लोगों से क्वेश्चन पूछे थे. मतलब कई लोग तो कैमरे को फेस करने से शर्मा रहे थे. वो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो आएगी बिहाइंड द सीन उसमें डालूँगी. तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही. अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर चैनल में नए हो प्लीज़ ट्राई करो कि मतलब एक मंथ के अंदर जो मेरे सब्सक्राइबर्स है 1K हो जाए. प्लीज़ गाइस थोड़ा सा सपोर्ट कर दो अगर आप व्लॉग को देख रहे हो. प्लीज़ तो बाय बाय.